कोरोना वायरस की चुनौती के बीच जारी अनलॉक से हर किसी के काम पर फर्क तो पड़ा है। इसी संकट के बीच में पिछले कई दिनों से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो आम आदमी की जेब का भार बढ़ा रहे हैं। महंगाई से जूझ रही जनता के लिए विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस महीने के अधिकतर दिन कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का रुख रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। आपको बताते हैं, डबवाली के ओडा में कांग्रेस विधायक अमित सिहा की ओर से अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया, जहां पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेहरे पर मास्क रखते हुए आज जोरदार तरीके से सड़कों पर उतरते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, जहां पर विधायक अमित सिहा ने खुद बाइक को पैदल चलाते हुए पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को वापस लेने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जहाँ पर बड़ी संख्या में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र और राज्य सरकार की पुतले भी फूंके गए, जहां पर कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की और बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस का झंडा थामे हुए देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल बड़ा ऐलान किया है, जहां पर कांग्रेस विधायक ने तमाम कांग्रेसों के साथ आज बाइक को पैदल चलाते हुए अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि कांग्रेस का अल्टीमेटम यही रहेगा कि जब तक पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ सरकार एक्शन लेकर वापस नहीं लेती है, तब तक कांग्रेस की तरफ से आम जनता की आवाज़ को इसी तरीके से उठाया जाएगा। सामने बता रहे किस तरीके से जहाँ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सही आमदनी बढ़ी हुई ना आम युवाओं की, और इसके ऊपर उन्होंने जहाँ क्रूड ऑयल के दाम आज सबसे कम है मैं मानता हूँ सही तरीके से, मगर पेट्रोल और डीजल के दाम आज इस देश में सबसे ज्यादा है इतिहास में। एक समय तो ऐसा आया जब डीजल और पेट्रोल के दाम बराबर भी कर दिए सरकार ने, तो आज इस तरह की दुर्गति है जब जेब में पैसा डालने की जगह आमजन की वो जेब से पैसा निकालने का काम ही सरकार कर रही है। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि आज हम सभी को जनता की आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक भी, सरकार तक भी, सेंटर की गवर्नमेंट तक भी पहुंचाने की काम करने की आवश्यकता है, और जिसमें मैं मानता हूं आप सभी मीडिया कर्मियों का भी एक अहम योगदान है, क्योंकि आवाज़ को शायद इस प्रांगण में यहाँ पे सड़क पे उठा रहे हैं, इसको चंडीगढ़ तक या दिल्ली तक पहुँचाने की जिम्मेवारी मैं मानता हूँ आप सभी। कैसे कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में आपने पहले भी देखा होगा, एक दिन का हमने कार्यक्रम भी किया था जिसके अंदर पूरा स्पीक अप इंडिया के नाम से एक अभियान चलाया था, और हर एक प्रदेश में जिला स्तर पे भी सभी ने आंदोलन किया था कांग्रेस पार्टी ने, फिर ब्लॉक स्तर पे भी किया। आज मैंने जैसे फिर से ये तीसरे दूसरे ब्लॉक में भी आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम निरंतर आवाज, जो प्रजातंत्र का एक सिस्टम है विरोध प्रदर्शन करना, आवाज़ उठाना, जब संसद चलेगा तो संसद में भी हमारे नेता इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे, जब हमारा विधानसभा चलेगा हम भी इसकी आवाज़ दोबारा, मतलब जो प्रजातांत्रिक ढांचे हैं जिस पे हम विश्वास रखते हैं, चाहे विरोध तर्कों पर विरोध प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे विधानसभा या लोकसभा के अंदर अपनी बात उठाने की बात हो, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से लगी हुई, और आशा करते हैं सरकार केवल अपनी मन की बात ना सुनते हुए जनता की बात को सुनते हम अपनी बात नहीं उठा रहे, जनता को जनता अपनी बात उठा रही जो आज सामने यहाँ पर करेगी। उसकी मांग हम यहाँ पर जो हमारे लेकर भी गए तो वो EWS के भाइयों की, मैं मानता हूँ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको कोटा तो सरकार ने दिया, मोदी साहब ने यहाँ भी कोटा दे दिया उन्होंने, मगर उस कोटे का सही मायने में फायदा तभी होगा जब उसके अंदर एज रिलैक्सेशन का प्रावधान हो। हमारे SC भाइयों BC भाइयों को एज रिलैक्सेशन का प्रावधान सरकारी नौकरियों में मिला हुआ है, तो अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं मगर उसमें सही मायने में आयु का रिलैक्सेशन का प्रावधान नहीं है, तो मैं मानता हूँ वो रिलैक्सेशन बहुत सारे हमारे हजारों लाखों भाई ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जनरल कैटेगरी से जिनको उनका लाभ नहीं है। देखिए मैं पूरी तरीके से जो मुझे भी हमने प्रयास किया था डॉक्टर KV सिंह जी ने कि मैं मानता हूँ ये सोच ये उन्होंने गग्गर का पानी इस क्षेत्र में लाने में अगर किसी नेता ने सबसे पहले शुरुआत की थी जब कांग्रेस का राज आया था उस समय से वो प्रयत्न कर रहे, और सबसे पहला उन्होंने रक्ताखेड़ा खरीफ चैनल का
हमारे समय में तकरीबन 80-85% जो है काम पूरा हो गया, 15% अटका रहा, 5-6 साल अटका रहा किसी ने, और उसके अंदर फिर बाद में हमने प्रयास किए, डॉक्टर साहब ने पूरे प्रयास किए, जो पेड़ खड़े हुए थे उनको निकालने के लिए अब काम शुरू हो गया था। पिछली बार भी हम निरीक्षण करके आए थे और आज भी मेरी मंशा है दोबारा निरीक्षण करके कि वहाँ पे किस स्थिति पे है। उन्होंने प्रशासन ने मुझे ये एक वो दिया था, आश्वासन दिया था कि 31 जुलाई तक, इस जुलाई से पहले पहले खत्म होने से पहले पहले इसका काम पूरा कर दिया, अगर नहीं है फिर से मैं जाके प्रशासन से आगे मुलाकात करूँगा।